अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एहसान अहमद है और आप सभी का हमारे किंग आज़मी चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप एसटीसी पे में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से किसी भी एटीएम कार्ड से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसके पीछे सीवीवी नंबर मेंशन होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर आप क्विक पे का कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके पीछे सीवीवी का नंबर नहीं होता है तो आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास क्विक पे का बैंक अकाउंट है तो आप बहुत ही इजीली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत ही इजी मेथड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैंने इसमें पूरा डिटेल बताया हुआ है कि कैसे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दो मेथड है, एक तो आप सद्दात के ज़रिए भी कर सकते हैं, दूसरा आप बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना एसटीसी पे वैलेट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद देखिए ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक सद्दात का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा बैंक अकाउंट का। आपको ये दोनों चीज़ें कहीं पर नोट करके रख लेना है। फिर आपको अपना क्विक पे मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए ऊपर में आपको अपनी यूज़र आईडी और नीचे पासवर्ड इंटर करके लॉगिन की बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्क्रीन ओपन होने के बाद आपको ट्रांसफ़र की बटन पर क्लिक कर देना है। ट्रांसफ़र की बटन पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है सद्दात पेमेंट का, आपको उस पर टैप कर देना है। फिर उसके बाद आपको सेकंड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सर्विस टेलीकॉम लिखा हुआ आ रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपने जो वहाँ पे नंबर कॉपी किया हुआ था सद्दात का, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आप कोई भी शॉर्ट नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं। नेम इंटर करने के बाद आपको प्रोसेस की बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके एक मोबाइल पर एसएमएस आएगा ओटीपी, ओटीपी को आपको इंटर कर लेना है। देखिए हमारा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपका जो सद्दात पेमेंट है वो एक्टिवेट हो गया है। अब आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। देख सकते हैं हमारा ओटीपी आ चुका है। राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है आपको कितना अमाउंट अपने एसटीसी पे में ट्रांसफ़र करना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना 10 रियाल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10 रियाल सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंज की बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप कन्फर्म कर दीजिएगा। कन्फर्म के बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एरर आ गया है, क्योंकि आप सद्दात से मिनिमम 100 रियाल भेज सकते हैं, उससे नीचे का आप नहीं भेज सकते हैं, इसलिए मुझे एरर आ गया है। तो चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ जो आप बैंक अकाउंट से आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रांसफ़र की बटन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लोकल बैंक सेलेक्ट कर लेना है। लोकल बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों पहले से ही मेरे दो बेनिफिशियरी यहाँ पर ऐड हैं। चलिए मैं आपको तीसरा भी अकाउंट ऐड करके दिखा देता हूँ जो कि एसटीसी पे का रहेगा। तो कैसे ऐड करते हैं उसके लिए आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद जो आपने एसटीसी सद्दात नंबर और बैंक अकाउंट कहीं नोट करके रखा हुआ है, इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, एक अरब नेशनल बैंक का है, दूसरा रियाद बैंक का है। आप दोनों में से कोई भी एक बैंक अकाउंट आप एसटीसी पे का ऐड कर सकते हैं अपने क्विक पे अकाउंट में। तो चलिए मैं अपना रियाद बैंक का अकाउंट नंबर ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है जो कि ऐसे ऐसे शुरू होता है, और नीचे आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके अकाउंट पर है। तो चलिए प्रोसेस की बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक कॉल आएगी
जो कि NCB बैंक से आएगी, आपको जब वो कॉल आएगी तो रिसीव करके आपको 1 प्रेस कर देना है, तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास कॉल आ चुकी है और मैं उसको 1 प्रेस करके एक्टिवेट कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले मेरे पास 2 बेनिफिशियरी था और अभी अपडेट होकर के 3 बेनिफिशियरी हो चुका है। तो चलिए नए वाले बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफ़र करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको बेनिफिशियरी सिलेक्ट कर लेना है। बेनिफिशियरी सिलेक्ट करने के बाद आपको ये टाइप करना है कि किसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैं चूज़ अनदर पे कर लेता हूँ। अनदर पे करने के बाद आपको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए मैं 50 रियाल ट्रांसफ़र कर देता हूँ। 50 प्रेस करने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप एक बार यहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा। अगर सब कुछ ओके है तो आप फिर से कंफर्म की बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है 50 रियाल। मुझे SMS भी मिल गया है और STC पे में अभी कुछ देर में डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सद्दात से पेमेंट करते हैं तो वो फ़ौरन डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन आप बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए 1 घंटे से 2 घंटे की टाइम लग सकती है। तो मैं वीडियो थोड़ा स्किप कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि STC पे में मेरे अमाउंट डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैंने अपना STC पे एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आपको अपनी फिंगरप्रिंट या पासकोड इंटर करना है। तो चलिए मैं अपने फिंगरप्रिंट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, हमारा सक्सेसफुली 50 रियाल आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, STC पे में सक्सेसफुली 50 रियाल डिपॉजिट हो चुका है। बहुत ही इजी है। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। फिर मिलते हैं ऐसी किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।